समस्या सर यही है कि 7 बजे से मतदान शुरू होना था और 10:30 बजे तक मशीन खराब रहा, 3 मशीन आया, 3 को बदली हुआ, फिर भी नहीं शुरू हो सका सर। इसलिए करके 10:30 बजे के बाद अगर बोला है प्रशासन की अथी हो गया, ठीक हो गया, आइए आप लोग मतदान दीजिए। यहाँ जितना भी लाइन लगा हुआ था सब 1-1, 2-2 किलोमीटर से आए थे, औरत लग था और सब अपना अपना घर चल गया, आएगा देने के लिए थोड़े सर, तो इसलिए करके सब चल गया घर। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? अब तो वोट हो ही नहीं सकता, पोल भी नहीं हो सकेगा सर, 4 बजे तक हिट समय है, पोल भी नहीं हो सकेगा, इसलिए के अगले अथी समय लिया जाए कोई भी दिन भी। समस्या वही था जो अभी आपको बताया गया था कि 7 बजे से यहाँ मतलब स्टार्ट जो होता है वोट, जो इलेक्शन कमीशन का जो ये निर्णय है कि 7 बजे वोटिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो जो पहला मशीन आया तो उस समय मशीन ख़राब थी, तो फिर हम लोगों ने इंतजार किया, लाइन भी बहुत लंबी लगी हुई थी, दूर दूर से लेडी लोग आई थी सुबह के टाइम में, क्योंकि धूप कम होती, गर्मी का भी समय है। तो फिर नेक्स्ट मशीन आई तो हम लोग को लगा कि नहीं ठीक हो जाएगी, फिर दूसरी मशीन वो जो नेक्स्ट आई वो भी ख़राब थी, फिर थर्ड मशीन आया वो भी ख़राब निकला, फिर फोर्थ मशीन आई तब तक लगभग अबाउट 10 से ज़्यादा बज चुका था, हम लोग 10 बजे तक इंतजार किए, फिर लाइन जो लेडी लोग लगी हुई थी अपना खाना तक नहीं बनाई थी, वो लोग घर चले गई, और फिर वो लोग वापस आना मुश्किल है क्योंकि 2 किलोमीटर से लगभग वो आई है पैदल चल के। और तो हम लोग निर्णय लिए हैं कि यही गाँव वाला कि मतलब आज वोट नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया, और उस समय कुछ बात किया गया था, समय की कमी हो गई है, आप लोग भी जानते हैं इस बात को, और जो अभी कोरोना का डिजीज चला हुआ है उसमें क्या है, सोशल डिस्टेंस बना के काम करना होगा, हम लोग तो गांव में एक जगह रहते हैं तो मास्क की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि बाहर कहीं जाते नहीं हैं। और ऐसे पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई होना चाहिए कि वह जो है डायरेक्ट बोल रहा है कि और आप राजनीति कर रहे हैं, यह शोभनीय नहीं है, इस पर जो है चुनाव आयोग को सोचना चाहिए और चुनाव आयोग इस पर विचार करे। और 55 बूथ मेरे विधानसभा का जिस पर कि वोटिंग नहीं हो रहा है लगातार, इन बूथों पर जो दलित महादलित अल्पसंख्यक समाज का बूथ है और राष्ट्रीय जनता दल का मजबूती के साथ है, ऐसे राष्ट्रीय जनता दल का वोटिंग पूरे जम्मू विधानसभा के सभी बूथों पर आगे चल रहा है, लेकिन जहां प्रचुर मात्रा पर है उसको जो है रोका गया है कुछ दिमाग के कारण कि वहाँ का बार बार मशीन क्यों ख़राब हो रहा है। इससे शंका और सुमा है कि चुनाव आयोग के मिलीभगत से इन कुकर्मों को किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जो है मदद देने का काम कर रहा है चुनाव आयोग। क्या मांग करेंगे आप इस तरह से जो देख मांग करने के, यह 55 बूथों को कैंसिल किया जाए और पुनः इस पर मतदान की जाए। स्वाभाविक रूप से कोरोना के कहर में चुनाव आयोग का जितना भी नियम और कानून था हम लोगों ने पालन किया, लेकिन आज चुनाव आयोग का सभी नियम कानून ढाक के 3 पात हो गए। चलेगी परिवर्तन की बयार या बनी रहेगी एनडीए सरकार? युवा तेजस्वी का होगा नाम या अनुभवी नीतीश आएंगे काम? बिहार का महासंग्राम सिर्फ HS न्यूज पर। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।